पहला प्रश्न पूज्य से गुरुदेव, वृत्ति लेश्य अने अनध्यवसाय में फरक शू छे? लिखित निमुबेन ना वंदन। विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न अर्थों में इन शब्दों के प्रयोग हुए हैं। चारित्र गुण की पर्याय और श्रद्धा गुण के पर्याय इनमें वृत्ति का सीधा संबंध है आत्मा के चारित्र गुण के पर्याय के साथ में। लेश्या का संबंध है चारित्र के साथ में और अनध्यवसाय का संबंध है श्रद्धा के साथ में। कषायों में जो तीव्रता मंदता है और जो कषाय आत्मा में विकल्प के रूप में व्यक्त होते हैं वो वृत्ति का ही परिणाम है। इन शब्दों का अर्थ पंडित होने के लिए जानने कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है वो वृत्ति और लेश्या से भी अधिक अध्यवसाय को जानने की जरूरत है। चारित्र से पहले श्रद्धा का स्वरूप समझने की जरूरत है। लेश्या का स्वरूप है, वृत्ति का स्वरूप है, मगर अनादि से जोर लेश्या और वृत्ति पर ही है और अध्यवसाय को दूर करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अज्ञान को दूर करने का कोई प्रयास ही नहीं और ये जो अज्ञान के जो भाव है ये अज्ञान के भाव ये ज्ञान से संबंधित नहीं है, ये श्रद्धा से संबंधित है।
इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान, उस ज्ञान को अज्ञान कहा और सम्यक दृष्टि का वही ज्ञान अज्ञान नहीं कहा। क्योंकि ज्ञान सम्यक और मिथ्या, इन दो भेदों में जो कहा वो ज्ञान के कारण नहीं कहा, वो श्रद्धा के कारण कहा। तो वृत्ति कैसी पड़ी है उस पर भी तुम्हारा जोर न हो। लेशिया ये कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल में कौन सी लेशिया और वो किस प्रकार से हो रही है उस पर भी तुम्हारा जोर न हो। यदि तुम आत्म साधना के हितेच्छु और आत्मा की अनुभूति की प्राप्ति की भावना पाते हो, अब जितनी बुद्धि तुम्हारे पास है उतनी बुद्धि का उपयोग ये अध्यवसाय को दूर करने के लिए करो। जो भी पदार्थ मुझे जानने में आते हैं, तब क्या अंतरंग में ऐसी ही स्थिति रहती है कि जैसे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा वहाँ के परिणमन के कारण, और उस स्थिति का नाम ही अलिप्त भाव है और वही अध्यवसाय से मुक्ति है। ज्ञान तो हो रहा है मगर उस ज्ञान के कारण यहाँ इस ज्ञान के परिणमन में कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये जागृति प्रतिसमय है और ये जागृति ही धर्म है और साधक की साधना है। इसलिए आपने फर्क क्या है इन सब में ये पूछा, से फर्क चारित्र और श्रद्धा से संबंधित है, और दूसरा कि जो लेशिया को अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संचोलन, इन भेदों के साथ में ये लेशिया का कोई संबंध नहीं। इसलिए कृष्ण लेशिया हो, नील हो, कापोत हो, पीत हो, पद्म हो, शुक्ल हो, और किस लेशिया में किसी स्थिति होती है वो तुम्हें जानने की अब जरूरत नहीं। तुम्हें जो जानने की जरूरत है उस पर ही मैं जोर दूंगा, जिससे मेरा भी इतना समय कम व्यर्थ में जाए और आपका भी। सिर्फ इतना कि जो भी वृत्ति की मलिनता और लेशिया की ये अवस्था, उनमें मैं कहीं भी नहीं हूँ, ये जागृति बनी रहे तो अध्यवसाय से मुक्ति होगी। चारित्र में जो भी कमजोरी है वो कमजोरी उस चैतन्य तत्व की सत्ता में कहीं पर भी नहीं है, ये जागृति बनी रहे। और फिर भी ये वृत्ति मलिन भी हो और लेशिया में परिणाम इतने तीव्र हो, अशुभ हो, तो भी मोक्ष के मार्ग की ओर यात्रा होगी। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को पता नहीं है आलू नहीं खाना चाहिए और वह आलू खाता है,
दूसरा व्यक्ति जिसे पता है कि आलू नहीं खाना चाहिए और वह आलू खाता है, तुम्हें ऐसा कोई पूछे कि इन दोनों में आलू खाने वालों में ज्यादा पापी कौन है, तुम उसे ही कहोगे कि जिसे पता है कि आलू नहीं खाना चाहिए और फिर भी खा रहा है वो बड़ा पापी। आलू नहीं खाना चाहिए ये पता नहीं है और खा रहा है वो कम पापी। बात बिल्कुल उल्टी है। और वो कैसे? वो इस स्वरूप को समझकर आपको इसका रहस्य समझ में आएगा। बंध जो होता है कर्मों का वो अज्ञान के कारण भी होता है और वृत्ति की मलिनता के कारण भी होता है। बंधन का जो कारण है वो अज्ञान भी है और अव्रत वाली ये जो दशा है वह भी है। अज्ञान से बंध होता है और अविरति से भी बंध होता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में यही तो अंतर है कि मिथ्या दृष्टि को पता ही नहीं कि ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और सम्यक दृष्टि को ज्ञान हो चुका है, आत्मज्ञान भी है कि लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए और लड़ रहे हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं है वे लड़े तो उन्हें कम कर्म बंधे और ज्ञान हो गया फिर भी लड़ते हैं तो उन्हें ज्यादा कर्म बंधे, तो ज्ञानी को ज्यादा बंधने चाहिए। मगर ज्ञानी को कम बंधते हैं और अज्ञानी को ज्यादा। उसका सीधा सा कारण यह है कि बंधन दोनों कारणों से होता है, अज्ञान से भी होता है और अव्रत ये लड़ाई से भी होता है। और अज्ञानी को दोनों कारण है, अज्ञान भी है और लड़ाई का भाव भी है। और ज्ञानी को वो अज्ञान वाला कारण वो मिट गया है, एक अविरति वाला कारण वो बाकी है जिसके कारण बंध होता है, उनको कम बंधन होता है। इसलिए तो उनकी यात्रा मुक्ति की ओर प्रारंभ हो गई, अज्ञानी की नहीं। ये बहुत गहरा है और सारे जगत से ये बिल्कुल उल्टा लगने वाला ये मार्ग है। उल्टा लगेगा क्योंकि मिथ्यात्व से बिल्कुल उल्टा सम्यक्त्व का मार्ग है, इसलिए मिथ्या दृष्टियों को ये मार्ग उल्टा लग सकता है। क्योंकि ये मार्ग ज्ञानियों का मार्ग है और ये मार्ग वितरागियों का मार्ग है, और इसलिए जगत के मार्ग से ये मार्ग अत्यंत न्यारा है। बस आपका जोर वृत्ति और लेश्या पर न हो, अध्यवसाय पर हो, और अध्यवसाय पर भी जोर न दे, अध्यवसाय से मुक्ति पर। और मुक्ति भी तब कि जब मैं उस अज्ञान में कहीं पर भी नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। ज्ञान ने जब ज्ञायक की ओर मुख किया फिर अज्ञान रहा कहां? जान लिया, जाना और अपराध, अपराध किया तो कम सजा है, मगर नहीं जाना और अपराध किया तो ज्यादा सजा है। इसलिए जाने, सबसे पहले जाने। एक आदमी रास्ते से जा रहा है,
ट्रैफिक में आगे वह यात्रा कर रहा, लाल बत्ती पर उसने गाड़ी को रोका ही नहीं। और उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि रोकना चाहिए, वो अज्ञान, और सिग्नल तोड़ दिया। और दूसरे को पता है कि रोकना चाहिए मगर रुक नहीं सका। पुलिस ज्यादा दंड उसे देगी जो कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं कि लाल बत्ती पर रोकना चाहिए। कहेगा तुझे लाइसेंस दिया किसने, पहले तो तेरा लाइसेंस ही वापस कर। और दूसरा कहेगा कि ये मुझे ज्ञान तो था मगर ये अपराध हो गया, तो ज्ञान के होने पर भी वो अपराध हुआ है फिर भी उसे उतनी सजा नहीं मिलेगी जितनी पहले वाले व्यक्ति को मिलेगी। इसलिए भले ही आज आप सत्य को उपलब्ध नहीं होते मगर आज सत्य को जान तो लो, जानोगे तो कभी उन अपराधों से बच सकोगे। मिथ्यात्व सबसे बड़ा अपराध है, यह जाना ही नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। मिथ्यात्व तो अपराध है मगर मिथ्यात्व बड़ा अपराध है यह न जानना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और कुगुरु की संगति में रहे तो वो मिथ्यात्व सबसे बड़ा अपराध है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए अगृहित मिथ्यात्व तो था मगर कुगुरु की संगति में रहकर गृहित मिथ्यात्व भी पुष्ट हुआ। सदगुरु के योग में आया, अब मिथ्यात्व अनादिकाल का तो नहीं गया मगर मिथ्यात्व छोड़ने योग्य ये तो उसने जान लिया। और वो सत्संग से ही इस सत्य का बोध होगा। आगे जब सत्संग होगा कभी मैं इसका और स्पष्टीकरण करूंगा। पूज्य गुरुदेव परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुखधाम जेने आप्यो भान नीज तेने सदा प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है कि मैं प्रयोग जैसा आपने बताया, जैसा चलते समय खाते समय बोलते समय आदि इन क्रियाओं में मैं कहाँ पर हूँ यह देखने का प्रयास करती हूँ, धारावाही नहीं होता, कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। शैला चोपड़ा। जब तक अपूर्ण दशा है तब तक ऐसा होगा, इसे भी घबराना मत शैला, इसलिए क्योंकि पूर्ण दशा की प्राप्ति जब तक नहीं होती मुनिराज भी आत्मा के ध्यान में सदाकाल रहते नहीं, वे भी सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में आते हैं। समय का लाभ उठा लेना, दो प्रकार के कर्म की अवस्था होती है, तीव्र उदय भी होते हैं और मंद उदय भी होता है। जब तीव्र उदय होगा तब ये कार्य थोड़ा कठिन हो जाएगा और जब मंद उदय की अवस्था में ये कार्य होने की संभावना अधिक होगी। और इसलिए ही सातवें गुणस्थान में और छठे गुणस्थान में संज्वलन कषाय चौकड़ी का उदय है मगर संज्वलन कषाय चौकड़ी का सातवें में मंद उदय है, छठे में तीव्र उदय है।
जब तीव्र उदय होता है तब वहां आत्मा के ध्यान में लीन नहीं होते, मंद उदय में होते। दो स्थिति है, जैसे कुएं में से पानी बाहर निकलता है और जो भी वहां पर मशीन रखा है, मशीन चालू किया और पानी इतना तीव्र गति से आ रहा है और उस पानी को रोकना चाहो तो रुक नहीं सकता, मगर इतना हो सकता है कि वॉश बेसिन का जो पानी वहां पर और उसे रोकना चाहो तो रोको। जहां उसकी तीव्रता मंद हो वहां तुम कुछ कर पाओगे। तो जब भी कषायों की मंदता हो और जब परिणाम शांत हो, उन शांत परिणामों का लाभ उठा लेना और ये कार्य कर लेना, क्योंकि उदयों की विचित्रता तरह तरह की है, तरह तरह की उदयों की विचित्रता। जिस समय ये जागृति होगी कभी कभी आपको ये भाव आएगा कि मैं घंटे घंटे तक ये आत्मा की बात सुनता ही रहूं, और कभी कभी वो भाव ही नहीं आएगा कितने दिनों तक स्वाध्याय करने का भी। ऐसा होता है, उदयों का स्वरूप है ये। मगर जब भी वो उदयों का स्वरूप है, जब भी वो मौका मिला है, उस समय जिसने उसका लाभ ले लिया, फिर ये अवसर दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि उदय पलटते रहते हैं। और कभी कभी आप देखो, आप जब अभी प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो, फिर इस प्रवचन की कैसेट आपने कल सुनी, फिर उस प्रवचन की ही कैसेट फिर आपने परसों सुनी, फिर चार दिन के बाद, पांच दिन के बाद, एक दिन आपको कुछ अलग ही भाव आया कि अरे इन शब्दों में ऐसे भाव है, तो रोज तो सुनते थे, वो शब्द का अर्थ वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो उदय नहीं था कि उसका अर्थ भी आपके ज्ञान में उस प्रकार का आए। इसलिए मैं कहता हूं कि कब वो आपके उदय कैसे पलटे ये नहीं जानते। इसलिए जब भी कोई वस्तु आपके, कोई विषय आपके समझ में नहीं आता, तो दोबारा सुनो, तीसरी बार चौथी बार ये आएगा। सदाकाल जागृति यदि नहीं रहती है तो न रहना ये स्वाभाविक है, मगर जोर उस पर न हो कि ध्यान आजकल नहीं रहता, ये शिकायत मत करना। और इसे बीमारी भी ऐसी मत समझना कि ध्यान नहीं रहता, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। बच्चा 1 किलो की वस्तु वो उठा नहीं सकता, तुम शिकायत मत करो, वो कुछ तो अभी उठा रहा है, उसकी भूमिका अनुसार, उसकी शक्ति अनुसार अभी यहां से ही शुरुआत होगी। कभी कभी याद आएगा, कभी नहीं आएगा, मगर जब भी वो विस्मरण हो जाए तब भी वो विस्मरण पर जोर मत देना। कैसे वो मैं तुमसे कहूं, शैला प्रयोग करते वक्त तुम ये ध्यान रखना, जैसे कि तुम्हें ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व और ये अभी ऐसे भोजन करने का भाव आया, फिर यह भाव आया कि मैं भोजन करने वाला नहीं, मैं तो चैतन्य तत्व हूं, फिर तुम्हें 2 मिनट तक कोई भाव ना आया, ऐसा हुआ 2 घंटे तक भाव नहीं आया, और लंबे काल तक फिर
ऐसे ही व्यर्थ के भाव आए। फिर जब तुम्हें वो भी स्मरण में आया इस स्थिति में कि अरे जो ने पहले जैसे जो भाव आते थे ये ऐसे भाव तो आते ही नहीं, ये जागृति आजकल नहीं रहती, तब भी तुम्हारा जोर उस पर गया कि पहले तो वो जागृति का अभ्यास होता था अब नहीं रहती, पहले होता था अब नहीं रहती, मगर तुम जो यहाँ पर हो और तुम विचार यहाँ का करते हो कि पहले थी और अब नहीं रहती, नहीं, तुम्हारा जोर यहाँ पर ना हो यहाँ पर हो। जब भी वो विचार आए तब इस पर मत जाना भूतकाल में, यहाँ पर कि मैं ये हूं, और उससे ही इतना अंदर में वो परिणति में दृढ़ता आएगी कि तुम्हें इसकी ओर देखना ही नहीं पड़ेगा। और यहां पर भी वो निर्मलता आए, वो शुद्धता आए, वो दृढ़ता आए, उसकी ओर भी जोर मत देना, मैं यही हूं, फिर उसे भी आगे जाने देना, पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखना कि वो कहां गई वो स्थिरता, थोड़ी देर तो रही थी, नहीं, मैं चैतन्य तत्व हूं। और जिन्होंने भी पर्याय में परिवर्तन पाया है उन्होंने ऐसे ही पाया है कि मैं चैतन्य तत्व हूं, और जब भी पर्याय में निर्मलता प्रकट हुई है तो इसी के बल पर हुई है कि मैं चैतन्य तत्व हूं। उसका आधार लिया, जो स्थिर है तुम उस पर ही जोर देना। रेलिंग को तुम पकड़ते हो मगर रेलिंग को भी ऐसी रेलिंग को पकड़ते हो जो हिलती है, तुम ऐसी रस्सी को पकड़ते हो जो रस्सी ही हिलती है, अब तुम गिरोगे क्योंकि वो खुद हिल रही है, उसका ठिकाना नहीं, वो कभी भी आपको गिरा सकती है नहीं, वो आपको गिरा नहीं सकती, आप ही गिर सकते हो। उसने नहीं कहा था मुझे पकड़ो, वो तो गई आगे। ये अवस्था हमेशा तुम्हारी जो तुलना करने की आदत है वो आदत दूसरों के साथ में है, तुम्हारी जो तुलना करने की जो आदत है वो अपनी भूतकाल की पर्याय के साथ में है। तुम कहीं ना कहीं तुलना करते हो, तुलना किसी दूसरों के साथ, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, वो करता है, मैं रात्रि भोजन करता हूं वो नहीं करता, मैं रात्रि भोजन करता हूं वो नहीं करता, मैं नीचा, मैं रात्रि भोजन नहीं करता वो करता है, मैं ऊंचा, मैं पहले रात्रि भोजन करता था मैं अब नहीं करता अब मैं ऊंचा, मैं पहले रात्रि भोजन नहीं करता था अब करता हूं मैं नीचा, नहीं, ये जो वर्तमान की अवस्था में तुम भूतकाल की अवस्था में या दूसरों की अवस्था की ओर मत देखो, तुम मैं चैतन्य तत्व हूं बस, कि तुम्हें वही पर्याय में निर्मलता प्रकट होगी जो द्रव्य में है, तुम शांत हो जाओगे कि वहां पर कोई तुलना करने की संभावना नहीं, क्योंकि वहां ड्यूअलिटी नहीं, वहां दो नहीं कि मैं ये पर्याय और ये वो द्रव्य, इसलिए वहां पर राग द्वेष की कोई संभावना नहीं, वहां निर्विकल्प होगा, वहां वितरागी होगा। उसके भी बहुत गहरे भाव है कि जब भी ये प्रयोग करो पहले से पूर्व नियोजित है, पर्याय में ध्यान एकाग्रत न रहेगा, वो नहीं रहता उसे ज्ञान में जान लेना मगर उसे दृष्टि में न लेना, ठीक है। वो मैं नहीं, अभी ध्यान रहा वो भी मैं नहीं, ध्यान न रहा वो भी मैंने, मैं तो मैं, अंधेरा था और उजाला आया, अंधेरा भी मैं नहीं और उजाला भी मैं नहीं,
क्योंकि अंधेरे के कारण मेरी सत्ता नहीं, अंधेरा गया मगर मैं हूं। उजाले के कारण मेरी सत्ता नहीं, क्योंकि उजाला पहले नहीं था मगर मैं था। तो मेरा जो होना, मेरा जो अस्तित्व, वो स्वयं के कारण है। राग के अंधेरे के कारण नहीं और वितरागता की उजाले के कारण नहीं, मैं चैतन्य तत्व स्वयं सत्ता स्वरूप अपने कारण। तीसरा प्रश्न, पूज्य गुरुदेव करुणा निधान कोटि कोटि वंदन, क्या ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि जितनी देर स्थिर हो सके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए? क्योंकि गुरुदेव मुझे तो करने करने की भाषा में ही समझ में आता है, किरण, किरण तुम्हें करने करने की भाषा में ही समझ में आता है और इसलिए तो मैं करने करने की भाषा में समझाता हूं कि ये करो ये करो ये करो, जाप करो, पाठ करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो। नित्य क्रम भी तुम्हें इसलिए तो दिया कि ये करो ये करो ये करो, भाषा करने की ही होगी। ज्ञानी भी बोलेंगे तो इस भाषा में ही बोलेंगे, मगर खास ध्यान रहे। ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि रहे, बात ये बहुत मार्मिक है। जब तुम्हारी दृष्टि वो ज्ञान स्वभाव पर ही रहेगी, तब तुम पाओगे कि जहां ज्ञान स्वभाव है वहां अकेला ज्ञान स्वभाव नहीं। स्पर्शना तो वो ज्ञान की होगी और पाओगे कि कोई विराट को पाया। विमान से मैं नीचे उतरा, स्पर्शना तो मुंबई के एयरपोर्ट की धरती की हुई, मगर मैंने विराट भारत में प्रवेश कर लिया। जब भी तुम ज्ञान को अनुभव करोगे, तुम पाओगे कि वहीं पर ही अनंत गुणों का घनपिंड, यह चैतन्य तत्व, यही तो मैं। और ज्ञान की अनुभूति हो और आत्मा की अनुभूति न हो तो वह ज्ञान नहीं। ज्ञान की अनुभूति हुई कि वही, वो दो भेद नहीं। मैंने गुड़ की मिठास को चखा, अब गुड़ को कभी चखूंगा? ये मूर्ख ही ऐसा कह सकता है। ये गुड़ की मिठास को चखा और गुड़ को बाद में चखूंगा, वो मिठास को चखा, यही तो गुड़ को चखा। जब भी वो मिठास चखने में आएगी कि गुड़ चखने में आया, वो भेद का जो विकल्प है कि मिठास चखने में आई, वही गुड़ को चखने से वंचित कर देता है। ये विकल्प ज्ञान की अनुभूति हुई कि आत्मा की अनुभूति हुई, एक अखंड द्रव्य भगवान आत्मा जिस समय की पर्याय में अनुभव में आया कि अनंत का पिंड, एक ऐसा वैभव अनुभव में आया, ज्ञान में अपनापन मत करना, अपनापन ज्ञायक में करना। ये दृष्टि का अर्थ अपनापन,
ज्ञान में अपनापन करोगे तो मिथ्यात्व का पोषण होगा, क्योंकि ज्ञान वो गुण भेद है और गुण भेद में अपनापन करना माने भेद में अपनापन करना, और भेद में अपनापन करना अर्थात किसी पर में अपनापन करना, क्योंकि मैं भेद नहीं हूं, मैं अभेद हूं। इसलिए जो भेद है वो पर है, मैं अभेद हूं। फिर वो आत्मा का ही भेद क्यों ना हो, वो ज्ञान का भेद, दर्शन का भेद, वो भेद आत्मा का ही क्यों ना हो। पूज्य गुरुदेव सत सत प्रणाम। गाथा 140। सकल जगत ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। इस गाथा का भावार्थ समझाने की कृपा करें ताकि हमें भाव उपासन हो सके। दिनेश जैन। सारे जगत को जूठन कहा, एक ऐसा बोध कि एक परमाणु भी तुम्हें एक समय के लिए भी ऐसा न लगे कि कुछ नया है, भोगने में नहीं आया। जिसे भोगने की उत्कंठा, आकांक्षा और चेष्टा नहीं हुई हो, जिन जिन परमाणुओं को मैं देखता हूं कहीं पर भी नयापन नहीं लगता। मर्सिडीज को देखा कि ऑडी की ओर ध्यान गया, और ऑडी को देखा तो रोल्स रॉय की ओर ध्यान गया, रोल्स रॉय को देखा तो टेस्ला की ओर ध्यान गया। मगर जैसे ही तुम्हारा वो ध्यान वहां गया कि तुम्हें उस समय कुछ नयापन नहीं लगता कि ये नहीं भोगा, नहीं भोगा ये सच है, मगर भोगने की चेष्टा न हुई ये सच नहीं। क्योंकि भोगने में तो एक भी परमाणु को मैं भोग न सका, भोगने का प्रयास ही झूठा था। भोग तो सकता ही नहीं कि भोगने के लिए मुझे जड़ होना पड़ेगा, मुझे उस रूप परिणमित हो जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने भोगा तो किसी को नहीं, मगर भोगने की चेष्टा के कारण यहां इन भाषा का जो प्रयोग है वो प्रयोग को समझना। आखू जगत एक एठवाड लागे, जूठन लगे कि ये सब जूठन है। जितने भी पुद्गल परमाणु को देखता हूं और भागता हूं जूठन। और सिर्फ ये परमाणु ही नहीं, ये धन ही नहीं, ये पद भी, प्रतिष्ठा भी, मान सम्मान भी, ख्याति लाभ भी, बाहर में जो भी भौतिक पदार्थों को पाकर के कुछ अपने को तृप्त करने की भावना, बस वो भावना का मिट जाना यही बोध है कि सारा जगत जूठन है। ज्ञानियों ने भोग करके छोड़ा ऐसा कहा, इसलिए तो कहा उनसे बड़े दानी इस पृथ्वी पर और कौन होंगे जिन्होंने जग का वैभव जगत को लौटा दिया और एक परमाणु भी अपने पास न रखा। इसलिए हे सिद्ध परमात्मा, आपसे बड़ा दानी तो मैंने देखा ही नहीं कि जिन्होंने धन संपत्ति को रखने की बात तो दूरी, ये देह के परमाणु में एक परमाणु को भी अपने पास में रखने का भाव नहीं,
और भाव नहीं इतना नहीं, प्रयोग भी, और कि वो छोड़ा भी, वही तो जगत के परमाणुओं की असारता को बताता है। एक परमाणु भी कुछ सुख लेने योग्य होता तो वो सिद्ध परमात्मा को एक परमाणु साथ में जाना चाहिए। भावना भाता हूं, तुम जहां हो मैं वहां, तुम आ सको और मुझे समझ सको। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं पूरी तरह से एक परमाणु मात्र के भी तुम्हें कोई चेष्टा न हो कि कुछ बाकी रह गया। जूठन, भोजन किया और कुछ जूठा छोड़ दिया, ऐठवाड़ो न परम कृपाणु देवे आखा जगत ने ऐठवाड़ो कीधो छे। तुम क्या करने जा रहे हो तुम सोचते ही नहीं, तुम्हें ये बोध ही नहीं है, तुम बेहोश हो, तुम मुर्दे की तरह मत रहो। दूसरा कोई रास्ते पर थूकता है और तुम उस थूक को चाटते हो। किसी ने भोगों को छोड़ दिया, मैल जान करके छोड़ा और तुम उसे ही भोगना चाहते हो, किसी के थूके हुए थूक को। और यही धर्म है कि तुम जागो, तुम्हें वो सब कुछ दिखाई देगा जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, जो परम कृपालु देव का सपना था। एट ज्ञानीओनो एठवाड़ आ जगत आखो छे, જ્ઞાનીઓનો એઠવાડ નથી, અજ્ઞાનીઓનો એઠવાડ છે। કારણ કે જ્યારે ભોગવટો કર્યો ત્યારે એ પૂર્ણ જ્ઞાની નતા, નહીં તો ભોગવટો કરવાની ત્યાં વૃત્તિમાંથી વિકલ્પ જ ન ઉઠે। અજ્ઞાનતામાં ભોગવટો કરવાનો ભાવ, કારણ કે ભોગતૃત્વ બુદ્ધિ મિથ્યા દ્રષ્ટિકો હોતી, એટલે એ અજ્ઞાનીઓ કા જૂઠન હૈ, જ્ઞાનીઓ કા નહીં। और ये बहुत समझने ऐसा है कि ज्ञानियों का जूठन नहीं कहा, अज्ञानियों का कहा, वरना लोग क्या करते कि ज्ञानियों का जूठन समझ करके वो प्रसादी ले लेते कि चलो ज्ञानी नो एठवाड़ छे। अमेरिका में तो ज्यादा लोग करते हैं, सब भारत में भी करते, मुझे खाना खाने बिठाते तो यहाँ पर है कोई कोई व्यक्ति, पहले एक रोटी का एक टुकड़ा मैं लेता हूँ, फिर पूरी थाली वो ले लेते हैं, बैठे हैं यहाँ पर कि मेरी थाली में से अब एक इडली लूँगा तो एक इडली में से 50 लोग छोटा छोटा टुकड़ा इडली का करके वो लेंगे और मेरे भाग में थोड़ी आएगी। फिर वो देंगे बाद में, मगर उस इडली को तो फिर वो ही बाँटेंगे थोड़ो आपड़े आम के प्रसादी।
अब ये जो भी है वो ज्ञानियों का ही है, झूठन छोड़ के गए तो थोड़ी थोड़ी प्रसादी ले ले, एक बंगलो हूं राखो, एक बंगलो तमे राखो। ज्ञानियों ने इतना छह खंड का वैभव छोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद, इसलिए मैं ये नहीं कहता कि ज्ञानियों का छोड़ा हुआ, अज्ञानता से भोगा था वो छोड़ा हुआ। पर स्वप्न समान, कि ये सारा जगत स्वप्न है, ये तो मुझे अत्यंत प्रीतिकर लगता है। स्वप्न समान, इसलिए तो ये मेरा सदा ही कहना है। और ये वाक्य तो बहुत देशों के कोने कोने पर जाकर के मैंने कहा, कोई ही देश ऐसा होगा जहां पर मैंने किसी को आत्मसिद्धि के बारे में कहा हो और ये न कहा हो। जिंदगी एक सपना है और मृत्यु है सपने का छूट जाना। हमेशा मैंने सबको कहा, जिंदगी एक सपना है और मृत्यु है सपने का छूट जाना। और मैं कहता हूं कि मैं पूर्व भव में राजा था, पिछले भव में मैं राजा था, ऐसा सपना देख रहा हूं, और सपना जैसे ही छूटा कि कुछ भी नहीं, मैं राजकुमार हूं ऐसा मैं सपना देखता हूं। घनी वार आवत है, सपना मान सपना मान, हूँ राजकुमार छो, हाँ राजकुमारी साथे लगन करवा जाओ छो, सफेद घोड़ा ऊपर बैठो छो, लगाम पकड़ी छे घोड़ा नी, तबड़िक 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 तबड़िक, अंत्यात्य सपनु पूरो थियो, अने आम जोयो तो ओंशी को खेतो तो के गोदड़ो खेतो तो अरे आहु थई गयो। एक व्यापारी को मैं पहचानता हूं, अब उन वो जहां पर भी वो सोते उनके पास में वो कैची नहीं रखते, तीन बार ऐसा हुआ वो कैची पास में पड़ी रहती है, और रात को ही ऐसे ही नींद में ही सुबह उठ के देखते हैं कि वो चद्दर फाड़ दी, ऐसे काट देते हैं, कारण के कपड़ा नहीं दुकान छे, अने एम के कोई गराक आयो कि आलो अर्धो मीटर कापी दियो, तो हवार हुदी मा तो आम टुकड़े टुकड़ा पड़ा हो त्या। सपनू, ए सपना ने साचू मानी ले, जिंदगी एक सपनू छे। सपना है और कुछ भी नहीं। सपने में आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं होता जो सपने में दिखाई देता था। मैं तो कहता हूं जिंदगी सपने से भी और बदतर है, क्योंकि सपना जब खुल जाता है वो आंख खुली कि सपना गया मगर सपना क्या आया था वो तो याद रहता है कि कुछ सपना आज रात को मुझे आया था, मगर यहां से मरने के बाद अगले भव में जहां आंख खुलेगी वहां तो याद भी नहीं रहता कि पिछले भव में कौन सा भव था और सपना क्या था, वो जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। इसलिए सपने से भी बदतर हालत है, इसलिए इस जगत को कृपालु देव ने सपना कहा। आज इतना ही।